ठीक है चलिए, लाइव लेक्चर में ऐसा बातें बातें होती रहती है, कल पूरा ध्यान देंगे, हो गया ना? ठीक है चलिए, चैप्टर नंबर टू है मैथ्स का हमारा पॉलिनोमियल। इसके कुछ क्लूज मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी क्लूज है इसमें, क्योंकि चैप्टर तो ईजी है, सबको बताया, और नाइन्थ में भी आप लोग पढ़े होंगे, पर फिर भी इसमें कुछ टाइप्स के सम कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर पढ़ना है क्वाड्रेटिक पे। आपका फोर्थ चैप्टर भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, बताएगा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, खुशी आप बताओ कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, बोलो बोलो, मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, अगर पॉलीनोमियल में क्वाड्रेटिक है तो क्या होता है, ओके पावर टू, मतलब मैक्सिमम डिग्री होती है टू, है ना, टू मैक्सिमम डिग्री होती है हमारी, बराबर। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, एक तो जैसे एग्जांपल है ना, या सेवन की जगह मैं फोर भी लिख दूँ, तो दिस इज द पावर टू। मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर है यानी डिग्री है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, टू, दिस इज नॉन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बराबर, ये आप लोग सब सीख गए, और ये पूरा चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक है, पूरा चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक है, तो देखते हैं किस तरीके से करना है। पहले मैं आपको पॉलीनोमियल्स के अलावा पहले मैं इसको फैक्टराइजेशन करना सिखाता हूँ, इसमें कौन कौन सी टाइप की पॉलीनोमियल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, नंबर वन पी एक्स इक्वल टू, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, इट्स वेरी मच सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, शायद तक एक चैप्टर का एग्जाम्पल बोल सकते हैं ना, वेरी मच सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले मैं लिखता हूँ, तो पी एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी कि पहला जो स्टेप है इज नॉन एज द ए एक्स स्क्वायर, दूसरा स्टेप है इज नॉन एज द बी एक्स, और तीसरा है वो सी है, टोटल थ्री टर्म्स है इधर, थ्री टर्म्स है ना, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। अब मान लो कि इसको फैक्टराइजेशन करने का पूछे, आपको क्वेश्चन ऐसा होता है कि फाइंड द जीरोस, क्या पूछते हैं इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, गिवन पॉलीनोमियल, क्या पूछेंगे, फाइंड द जीरोस, जीरोस द जीरो है ना, ऑफ द पॉलीनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या है कि आपको इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, कैसे ढूंढेंगे, जैसे कि ये 10 जो है लास्ट वाला टर्म, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो हमारा सी है ना वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, ये पहले एक्स में क्या आगे का कोएफिशिएंट, ये एक्स के आगे का कोएफिशिएंट, इसके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये होता है एक्स की डिग्री जीरो हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है टू डिग्री देन पावर वन देन एक्स के पावर में जीरो, और किसी का भी पावर जीरो होता है, किसी भी डिग्री जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड वन, उसको वन बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा सी इंटू एक्स के पावर में जीरो, और एक्स के पावर में जीरो का मतलब होता है वन, और सी बन जाएगा क्या बन जाएगा सी, दैट्स व्हाई लास्ट टर्म में कोई भी पीछे एक्स की पुछड़ी दी नहीं है, ये एक्स की पुछड़ी है, यहाँ पे एक्स का टेल है, यहाँ पे एक्स की टेल है, यहाँ पे भी एक्स की टेल है, यहाँ पे एक्स की टेल नहीं है, तो जहां पर भी एक्स की टेल नहीं दी है उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, बिकॉज ऑफ इट इज नॉन एज अ स्प्लिटिंग टर्म मेथड, क्या होता है ये स्प्लिटिंग टर्म मेथड है, जैसे कि 10 का मैंने, अब देखना ये क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कैसे करते हैं, अगर जीरो ढूंढना है, लास्ट वाला जो टर्म है यानी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, दो स्प्लिट करेंगे, यानी देखना है कि किसके टेबल में आता है, तो 10 किसके टेबल में आता है, एक तो होता है 2 के टेबल में आता है 2 5 जा 10, ओके फाइन, दूसरा होता है 5 के टेबल में आता है 5 2 जा 10, ये भी सही है, आपको ये दोनों के दोनों नंबर सेम से लिख रहे हैं, मतलब इसमें से कोई भी एक लिखना है, कौन सा लिखना है, कोई भी एक, 2 5 जा लिखो या 5 2 जा लिखो, दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा, पर मैं इसको प्रीफर करूंगा 5 2 जा को, क्यों 5 2 जा को, क्योंकि बड़ा नंबर पहले लिखना है, बड़े भाई पहले आएंगे, छोटा भाई बाद में आएगा, बराबर, तो यहाँ पे पहले भाई बड़े भाई को पहले लिखना है, ठीक है, क्योंकि घर में से भी अगर पेरेंट्स भेजेंगे ना, अगर दो भाइयों को साथ में, तो पापा ऐसा बोलेंगे बेटा छोटे का ध्यान रखना, तो मतलब बड़ा भाई पहले होता है इन शॉर्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 2 जा लिखेंगे, ये क्यों मैं 5 2 जा लिख रहा हूँ बाद में इसमें डिक्लेरेशन करूंगा समझना, तो यहाँ पर कौन सी साइन है लास्ट टर्म की, अगर लास्ट टर्म की साइन कैसी है प्लस, अब देखना यहाँ पे पॉलीनोमियल का पहला टाइप हुआ, दिस इज द टाइप 1, इट इज अ टाइप 1 पॉलीनोमियल टाइप 1, टोटल 4 से 5 टाइप्स की पॉलीनोमियल आएगी, देखते हैं ये कौन सा है, लास्ट टर्म अगर प्लस में है और मिडिल टर्म भी प्लस में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में ही है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों फिर से बता रहा हूँ, ये 10 का मैंने क्या किया स्प्लिट किया, मतलब 10 किसके टेबल में आता है वो देखना है, तो 5 2 जा 10, और ये दोनों का अगर प्लस करते हैं, ये दोनों का अगर प्लस करते हैं तो मिडिल टर्म बनना चाहिए, मिडिल टर्म कितना है 7, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, पीछे एक्स एक्स लगा दो, पीछे क्या लगाना है एक्स की कुछ भी लगा देंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे कितना टर्म थे, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, यहाँ पे थ्री टर्म्स थे, मुझे क्या करना है स्प्लिटिंग टर्म मैटर है, यानी क्या करूंगा मैं पहले वाले एक्स स्क्वायर को एज इट इज
लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट टर्म ऐसे नहीं, यहाँ पे इसको मिडिल वाले टर्म को लिखना नहीं है, जो स्प्लिट करके बना उसको लिखो दो प्लस 5x प्लस 2x। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था x2 प्लस 7x प्लस 10 फाइंड द जीरोस, जीरोस मतलब हमको आंसर ढूंढने फैक्टर ढूंढने, कैसे करेंगे? लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म को, लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म को मैंने क्या किया स्प्लिट किया, लेकिन कैसे देखना है वो किसके टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया 5 के टेबल में आता है 5 2 यानी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आना चाहिए और अगर प्लस करोगे तो मिडिल आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 5 2 क्या होगा 10 और देखना है कि यहाँ पे मैंने साइन क्यू प्लस प्लस दी बिकॉज तीनों तीन नंबर बदल दिया, ये भी प्लस में है और मिडिल टर्म भी प्लस में है, अगर लास्ट वाला टर्म प्लस में तो दोनों की दोनों साइन सेम आएगी, पहला रो क्या होता है जब लास्ट टर्म प्लस में होता है कॉन्स्टेंट टर्म तो दोनों के दोनों जो फैक्टर बनेंगे उसकी क्या आएगी सेम साइन, पर सर साइन कौन सी देनी मिडिल टर्म की साइन, मिडिल टर्म क्या है प्लस में तो दोनों के दोनों प्लस, अगर मान लो कि मिडिल टर्म माइनस होता है यहाँ पर माइनस होता तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते माइनस हो जाते, तो आप बोलते हैं सर ये माइनस नहीं होता, नहीं क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस माइनस मैक्स का रूल है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, दैट्स व्हाई ये भी प्लस आ जाएगा, तो अगर लास्ट टर्म प्लस में तो दो रूल बनेंगे यहाँ पे यानी दो टाइप बनेंगे, अगर ये लास्ट टर्म प्लस में है तो या फिर दोनों की दोनों साइन सेम आएगी या दोनों माइनस होगी या दोनों क्या हो जाएगा प्लस होगा और दोनों के बीच में क्या होगा एडिशन होगा, एडिशन का रूल आएगा, पर कब पता चलेगा माइनस क्या रखना है प्लस तो रखना है यार, अगर मिडिल टर्म प्लस में है तो ये प्लस, अगर मिडिल टर्म माइनस है तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस था तो मैंने ये दोनों को दोनों प्लस करो डन। अब मैं सम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्या होगा ये मैंने मिडिल टर्म नहीं लिखा है स्प्लिटिंग टर्म है, इसकी जगह पे मैंने ये दोनों को जो फैक्टर मैंने लिख दिए इसके हम लोग पार्टीशन करेंगे यानी टोटल 4 टर्म्स हो गए, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा एक्स इज द कॉमन, दोनों में क्या क्या सेम सेम लिख रहा है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन लिख रहा है, पहला क्या था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, दूसरा क्या है 5x, उसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x, दोनों में से क्या कॉमन आएगा x x कॉमन, क्या आएगा x x कॉमन, तो x मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे x स्क्वायर है इसमें से x गया बचा क्या x बचा, यहाँ पे से क्या हो गया 5x में से x की पुष्टि कट गई क्या बनेगा 5 बराबर, तो ये बचेगा 5 समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे होगा x प्लस 5 इज द कॉमन मतलब अंदर आ जाएगा, यहाँ पे से x कॉमन इसमें से x बचा यहाँ से 5 बचा प्लस, अगेन देख लेना x स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार x, 5x का मतलब है 5 × 2x, दोनों में कॉमन कॉमन क्या लिख रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x पहले में दूसरे में बचा है 5, ये फर्स्ट का ओवर हो गया, वैसे ही सेम ये दोनों में से क्या कॉमन है सर कुछ नहीं दिखता है पर है 10 को क्या बोलते हैं 5 2 का और 2x का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पे क्या कॉमन है 2 दोनों में x कॉमन है, दैट्स व्हाई यहाँ से हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे बराबर, यहाँ पे से क्या बचेगा 2 बाहर आ गया तो बचेगा क्या x, यहाँ से 2 निकल गया और यहाँ पहले तो ये वाला देखो इसमें से 2 निकल गया सॉरी 2 निकल गया तो बचा गया x, x मैंने अंदर लिख दिया और यहाँ से 2 निकल गया बचा गया 5, तो 2 5 = 10, दैट्स व्हाई दोनों के दोनों ब्रैकेट किससे आने चाहिए सेम, तो यहाँ पर दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये पॉलीनोमियल का पहला रूल, अगर ऐसे स्प्लिटिंग करते हैं कॉमन निकालते हैं दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आए तो समझना कि आपने कोई गलती की है, सब में गलती की है, दोनों के दोनों सेम आ गए, यहाँ पे से मैं कर रहा हूँ x प्लस 5, दूसरा जो बाहर बच रहा है मतलब ये दोनों के दोनों ब्रैकेट को मैंने कॉमन निकाल लिया, जो बाहर बच रहा है भटक की आत्मा है उनको एक रूम में लिख दो, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, ये दोनों को बाहर रखकर डर को जेल में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, दिस इज योर आंसर बट नॉट दिस इज द फैक्टर ओनली, ये क्या बने हमारे फैक्टर्स बने, हमको क्या ढूंढना है जीरोस ढूंढना है, जीरोस ढूंढने के लिए क्या करेंगे लोग, पहला ब्रैकेट जो है फर्स्ट ब्रैकेट उसके इक्वल टू जीरो करेंगे और दूसरा ब्रैकेट है उसके इक्वल टू भी जीरो कर देंगे, पॉलीनोमियल और जीरो फाइंड करना, ये प्लस 5 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 5, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, इट इज नोन एज द अल्फा फॉर 0 माइनस 5, देन ये प्लस 2 यहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, दिस इज द सेकंड आंसर, इट इज नोन एज द बीटा और इस बन जाएगा माइनस 2, दिस इज द टू आंसर्स ऑफ द जीरोस बराबर, ये जीरो बन गया, अगर आपको साथ में क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाए कि फाइंड द रिलेशनशिप, क्या पूछा जाए फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, क्या पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, इसके बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करो, तो हमारा रिलेशनशिप का क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारी पहली रिलेशनशिप दोनों जीरोस के बीच में, अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला इसका माइनस बी अपॉन ए, क्या फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, सर ये कहां से आया, पर हम लोग पहले देखते क्वेश्चन क्या था हमारा, मैं यहाँ पे 22 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो ax square plus bx plus c से कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ,
तो ये क्या बनेगा हमारा पहला वाला, इसके आगे कुछ है नहीं है, जिसका कोई नहीं था उसका मैक्स कौन होता है वन होता है, दिस इज द रूल। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब क्या हो जाएगा वन, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी वन, यहाँ पे हमारा ए आएगा वन, ए इज इक्वल टू वन, बी क्या बन जाएगा हमारा सेवन, बी इक्वल टू सेवन, और सी क्या बन जाएगा हमारा टेन, सी बन गया हमारा टेन। बस यहाँ से हम लोग ये अल्फा प्लस बीटा मतलब हमको ये ढूंढना है पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास सेवन, आगे माइनस है तो सेवन अपॉन ए की वैल्यू क्या है वन, लिखना जरूरी नहीं है तो माइनस सेवन, दिस इज योर फर्स्ट आंसर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है फर्स्ट रिलेशन। देन नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू इसका फॉर्मूला है हमारा सी अपॉन ए, क्या फॉर्मूला है हमारा सी अपॉन ए, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला। सो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है सी की टेन अपॉन ए कितना है वन, ए की वैल्यू वन, तो क्या बन जाएगा टेन अपॉन वन अल्फा इंटू बीटा, दिस इज योर क्या बन जाएगा हमारा टेन, बस दिस इज योर आंसर। ये फाइनल क्वेश्चन हो गया, टू मार्क का क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ये टाइप वन क्वेश्चन हुआ, अब मैं टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर में अलग अलग टाइप्स के एग्जाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है थैंक यू।